बैरिया ऑर्चर्ड और फेज़ टू में कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे 5 मरला या 8 मरला कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करके कम अर्से में अच्छा प्रॉफिट जो है आप गेन कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, सिटीपी प्रॉपर्टीज़ कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं एक न्यू वीडियो, एक न्यू अपडेट के साथ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से। बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर फेज़ टू का आज की वीडियो में आपको जो है ब्रीफली गाइड करने जा रहा हूँ, उसके ओवरऑल रेट्स के हवाले से आपको अपडेट करूँगा, क्या वहाँ पे क्या करंट अभी डेवलपमेंट स्टेटस है कुछ इस हवाले से आपको जो अपडेट करूँगा, जितनी भी वहाँ पे न्यू डील्स दी गई थी उनके वाले से आपको अपडेट करूँगा कि वहाँ पे भी क्या करंट डेवलपमेंट स्टेटस है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ टू के सबसे पहले ए ब्लॉक की अगर बात करूँ तो व्यूअर्स, इसी तरह से अगर मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ टू में 5 मरला और 8 मरला कैटेगरी आपको दी गई है। मैक्सिमम यहाँ पे आपको जो टोटली सारी की सारी जो है वो 5 मरला और 8 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर आप फौरी तौर पर प्लॉट परचेज करके अपने बजट के मुताबिक, जी हाँ व्यूअर्स, अपने बजट के मुताबिक, लो बजट में भी आपको फेज़ टू में ऑप्शंस मिलेंगी, हाई बजट में भी आपको बेहतर लोकेशन पे भी जो आपको ऑप्शन मिलेंगी बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ टू में, चाहे वो किसी भी ब्लॉक में आप परचेज करें, लो बजट और हाई बजट जो आपको ऑप्शन जो है नॉर्मली मिल रही होती हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 5 मरला की, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो 5 मरले का मिनिमम जो आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ टू में प्लॉट मिलता है वो 38 लाख रुपये का मिलता है, जो कि एच ब्लॉक की एक्सटेंशन न्यू डील में मिलता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम 5 मरला प्लॉट की, तो मैक्सिमम जो आपको 5 मरले का प्लॉट मिलेगा वो सी ब्लॉक में मिलेगा, 75 लाख रुपये का प्लॉट मिलेगा, या तो वो कॉर्नर होगा या फेसिंग पार्क होगा इस तरह की कैटेगरी का, यंगस्टर लैंड वगैरह इस तरह से जो प्लॉट होगा 38 लाख रुपये से लेकर 75 लाख रुपये तक आपको जो है वो 5 मरले का प्लॉट मिलेगा, डिपेंड ऑन लोकेशन प्राइसेस हैं, ठीक है जी, और आप अपने बजट के मुताबिक बेहतर लोकेशन के प्लॉट को जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 8 मरला कैटेगरी की, तो 8 मरले का आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ टू में मिनिमम जो प्लॉट मिलेगा तकरीबन 53-55 के अराउंड मिलेगा, और इसी तरह से ऑनवर्ड जो है वो 85-90 के लाख तक जो है आपको 8 मरले का प्लॉट मिलेगा, डिपेंड ऑन लोकेशन प्राइसेज हैं, ठीक है जी। इसी तरह से आप जो है वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ टू में 8 मरला का अगर प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो अपने बजट के मुताबिक बेहतर लोकेशन को जो है वो चूज़ करके अपने जो है वो डिमांड के मुताबिक जो है यहाँ पे आप प्लॉट जो है वो परचेज कर सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर फेज़ टू में आपको सारे के सारे जो है प्लॉट्स दिए जाएंगे, हमारी जैसे वो इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स दिए जाएंगे, कुछ ऐसे एक्सटेंशन भी मौजूद हैं जो कि रिसेंटली डीज लॉन्च हुई थी और उनका भी पोजीशन अनाउंस नहीं है, लेकिन तकरीबन 90-95% एरिया फेज़ टू का ऐसा है जहाँ पे जो है वो 100% जो है वो पोजीशन भी मौजूद है और प्लॉट्स को जो है वो वहाँ पे ओवरऑल आपको डेवलपमेंट भी जो है वो देखने को मिलेगी और मैक्सिमम घर वगैरह बने हुए भी आपको जो है वो नज़र आएंगे। तो इसी तरह से व्यूअर्स, आज के वीडियो में इसी तरह से आपको एक और चीज़ भी गाइड करेंगे, कौन कौन सा ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ टू में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ टू में जिनको आप एज अ रेजिडेंशियल पर्पज़ कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी लिस्ट में ब्लॉक्स हैं वो ए बी सी एंड डी ब्लॉक है, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ टू के पहले 4 ब्लॉक हैं ए बी सी एंड डी। व्यूअर्स, ये ब्लॉक जो हैं वो बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ टू के सबसे ज़्यादा डेवलप ब्लॉक हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो रेट्स हैं इस वक्त सी ब्लॉक में, उसके बाद बी, देन डी एंड फिर ए, ठीक है जी। और ए ब्लॉक में आपको मैक्सिमम 5 मरला मिलती है और 8 मरला वो लिमिटेड है, बी ब्लॉक में मैक्सिमम 8 मरला, सी ब्लॉक में मैक्सिमम 8 मरला और फिर डी ब्लॉक में भी जो है मैक्सिमम 8 मरला, वो लिमिटेड सा जो है 5 मरला, और सी ब्लॉक में आपको थोड़ी बहुत जो है वो ऑप्शन मिल जाती हैं 5 मरला की। तो ये वो एरियाज़ मैंने आपको बताया जहाँ पे आपको मैक्सिमम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मिलेगी, नियर बाय फैसिलिटीज़ बड़ी रिजनेबल मिल रही होंगी, बेहतर जो है वो फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी। तो ये वो एरियाज़ हैं जिनको आप एज अ रेजिडेंशियल पर्पज़ भी कंसीडर कर सकते हैं, और इनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जिनको आप अगर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसीडर करना चाहें तो जी हाँ व्यूअर्स, आप इनको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ टू के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बाद ई ब्लॉक की, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक और जी ब्लॉक, व्यूअर्स ये वो हमारे उन कस्टमर्स के लिए हैं जिनका बजट कम है और लो बजट में रहते हुए किसी बेहतर अप्रोच के साथ बेहतर लोकेशन में डेवलप्ड एरिया में घर वगैरह बनाना चाह रहे होते हैं 5 मरला के लिहाज से स्पेसिफिकली, तो ये ब्लॉक्स उनके लिए हैं। ई ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, मैक्सिमम यहाँ पे घर वगैरह मौजूद हैं और पार्क अपना ई ब्लॉक का, जी हाँ व्यूअर्स, ई ब्लॉक का अपना डेवलप पार्क भी मौजूद है इसी ई ब्लॉक में, और ई ब्लॉक में काफ़ी फास्ट टैग पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। इसी तरह से जी और एफ की अगर मैं बात करूँ तो जी ब्लॉक में नो डाउट काफ़ी फास्ट टैग पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, और पिछले कुछ अर्से में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम यहाँ पे घर बने हुए हैं और आपको अगर विजिट करें फिजिकली तो आपको काफ़ी मैक्सिमम यहाँ पे जो है वो घर बनते हुए भी नज़र आएंगे, ठीक है जी। और ये भी जी हाँ व्यूअर्स उन्हीं कस्टमर्स के लिए हैं जो कि लो बजट में रहते हुए बेहतर लोकेशन में प्लॉट वगैरह परचेज करना चाह रहे होते हैं और बहरिया का लाइफस्टाइल जो है इन्जॉय करना चाह रहे होते हैं, एफ ब्लॉक या जी ब्लॉक में वो 5 मरला का प्लॉट परचेज करके बेहतर रेट के ऊपर और इजी जो है वो आप यहाँ पे परचेज करके अपना घर वगैरह जो है वो बना सकते हैं।
और इसी के साथ से अगर मैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो जी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पस भी आप कंसीडर कर सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पस भी आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे जैसे यहाँ पे काफ़ी फास्ट है डेवलपमेंट चल रही है, जैसे जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर होता जाएगा, पॉपुलेशन आती जाएगी, मजीद नियर बाई फैसिलिटीज़ भी आती जाएंगी, जिससे ऑटोमेटिकली आपके प्लॉट की वर्थ जो है ऑटोमेटिकली वक्त के साथ साथ बेहतर होती जाएगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, मुनासिब बजट में आप बेहतर टाइम में बेहतर प्राइस में आपको जो है यहाँ पे 5 मरला का प्लॉट जो है वो मिल सकता है। इसी तरह से अगर मैं 8 मरला की तरफ आ जाऊँ तो 8 मरला के आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए और लो बजट में रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जे ब्लॉक और एस ब्लॉक हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से डेवलप भी हो रहे हैं, और उसी तरह से जो है वो लो बजट में आपको जो है वो 8 मरला का प्लॉट भी यहाँ पर मिल जाता है। ये हमारे उन कस्टमर्स के लिए हैं जो कि लो बजट में 8 मरला कैटेगरी का प्लॉट परचेज करना चाहते हैं और अपना घर बनाकर जो है वो बढ़िया का लाइफ स्टाइल इन्जॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए जे ब्लॉक और एच ब्लॉक बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जे ब्लॉक की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो जे ब्लॉक में अपना बड़ा ही खूबसूरत पार्क, उसके अलावा जू और जो है वो मस्जिद भी जो है वो मौजूद है। इसी तरह से एच ब्लॉक में भी जो है बड़ा खूबसूरत पार्क और मस्जिद दोनों की जो है एक ही है, नियर बाय इजीली जो है एच ब्लॉक के रेजिडेंस और जे ब्लॉक के रेजिडेंस इजीली अप्रोच भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको जे और एच ब्लॉक में लो बजट में 8 मरला कैटेगरी के प्लॉट दिए जा रहे हैं और बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ दिए जा रहे हैं। जी हाँ व्यूअर्स, बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ बैरी आउटसेट फेज 2 के जियो रेच ब्लॉक में आपको 8 मरला प्लॉट्स ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट पर्पस को इनको कंसीडर करना चाहें तो बिल्कुल आप इनको ऐसा इन्वेस्टमेंट पर्पस भी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से ओवरऑल जो है वो बैरी आउटसेट फेज 2 के रेट्स के वाले से अपडेट किया जा सके और किन किन कैटेगरी के प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उनके वाले से आपको अपडेट किया जा सके और किन किन जगह पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, उस हवाले से भी आपको आज के वीडियो में बताने की बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश की है। इसके अलावा मजीद आपके माइंड में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो स्पेसिफिकली बैटरी ऑर्चर के किसी भी ब्लॉक के किसी भी फेस के हवाले से या फिर बैटरी अडाउन के किसी भी सेक्टर या किसी भी ब्लॉक के हवाले से किसी भी कैटेगरी का अगर आप प्लॉट परचेज करना चाहें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हो या फिर वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए हो, आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इट्स www.cdbrealestate.com। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।